वेलकम टू रिव्यू विद माय व्यू। आज मैं रिव्यू करूंगी वो फिल्म जो काफ़ी चर्चे में है, लापता लेडीज। डायरेक्ट किया है किरण राव ने एंड प्रोड्यूस किया है आमिर खान प्रोडक्शंस एंड किंडलिंग पिक्चर्स ने। ये कहानी बेस्ड है इन द बैकड्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश इन 2001। फिक्शनल है पर काफ़ी टॉपिक्स कवर्ड एकदम सच है। ये कहानी है जहाँ दो वाइफ सेपरेट हो जाती है अपने रिस्पेक्टिव पति से गलती से ही, और वहाँ से इनकी जर्नी शुरू हो जाती है। किसी के लिए आज़ादी है तो किसी के लिए डर। फूल प्लेड बाय नितांशी गोयल और दीपक प्लेड बाय स्पर्श श्रीवास्तव वे टू गुड एफर्टलेस एक्टिंग। कैरेक्टर के हिसाब से फूल परफेक्ट फिट है ये रोल के लिए। इनोसेंट भी है, बचपना भी है, भोलापन भी है और बहुत क्यूट भी है। फूल गुम हो जाती है पतीला स्टेशन पर, वहाँ एक आदमी से मिलती है जो अपाइज होता है। उसको देखकर आपको 100% शान मूवी के अब्दुल की याद दिला देगी जो सबकी खबर रखता है। वेल दे ऑल्सो मैंशन दिस रेफरेंस इन वन ऑफ द सीन्स। हमारे बिहारी बाबू रवि किशन जी ने अद्भुत काम किया है एज इंस्पेक्टर श्याम मनोहर। सभी एक्टर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है। छाया कदम एज मंजू माई, सत्येंद्र सोनी एज छोटू, प्रतिभा रंता एज जया। काफ़ी डायलॉग ऐसे लग रहे थे जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के मोटिवेशनल कोर्स से इंस्पायर्ड होकर लिखा है, पर फैक्ट ये है कि सब सोसाइटी का सच है। औरतों की परिस्थिति को बहुत सटली एक्सप्लेन किया है ये फिल्म में, मेकिंग इट अ फील गुड फिल्म एंड नॉट लाइक एनी अदर फिल्म जहाँ स्यूडो फेमिनिज्म को उछाला गया हो। थोड़े सीन्स हैं जो काफ़ी इम्पैक्टफुल है। When Fool earns her first hard-earned money, when Manju Mai talks about कैसे उन्होंने भी प्यार जता के पति और बेटे को घर से निकाल दिया, जब जया कला के बारे में कहती है, और ऐसे कई सीन्स हैं जो दिल को छू जाते हैं। एक सीन है जहाँ जया तारीफ करती है दीपक के अम्मा के खाने की, और तुरंत अम्मा कहती है, धत खाने की भी कोई तारीफ करता है क्या? ये एक डायलॉग बहुत चीज़ कह देती है। जया वॉज अ रेबल। पिताजी के खेत को पूरी तरह हाथ से निकलते देख उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ाई करने का सोचा। जया एक ऐसी आशा की किरण है उन सभी महिलाओं के लिए जो अपने सपने को रियलिटी बनाना जानती हो, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। शी रिप्रेजेंटेड वीमेन ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो गिव कॉन्फिडेंस टू देम बाई बींग डिटरमाइंड टुवर्ड्स हर गोल। गाने काफ़ी अच्छे हैं, सिचुएशन एंड लोकेशन के लिए एकदम करेक्ट। एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी है। स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले एकदम सीमलेस है। डायरेक्शन टू परफेक्ट। ये एक ऐसी फिल्म है जहाँ हम सबको फिल्म का एंड पता है, पर एंड का सीन देखने का मज़ा ही कुछ और। वायलेंट एंड रिग्रेसिव वेब सीरीज एंड मूवीज के बीच ये फिल्म एक रिफ्रेशिंग स्टोरी है। किरण राव को धन्यवाद लापता लेडीज जैसी फिल्म बनाने के लिए। ओवरऑल मैं देती हूँ 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। आई एम योर होस्ट गौरी शंकर, साइनिंग ऑफ।